निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत नहीं हो सकती। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का दो टोक ऐलान। कहते हैं पीपी के हालिया किरदार की वजह से मायूसी हुई, बलोचिस्तान की असेंबली में तब्दीली लाने की जरूरत क्यों पेश आई। इमरान पहले मीनार पाकिस्तान पर, अब गली मोहल्लों में जलसे करते हैं। तब्दीली तो आ गई है, कप्तान के जलसों पर भी तनकीद। शरीफ खानदान के खिलाफ एवन फील्ड रेफरेंस की एहतसाब अदालत में समाअत। पेशी के बाद इजाजत मिलने पर नवाज शरीफ अदालत से रवाना। 26 मार्च से एक हफ्ते के लिए इस्तस्ना दिया जाए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की 7 दिन के लिए हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त दायर। इसहाक डार की रिहाइशगाह के लिए पार्क उखाड़ कर सड़क बनाने पर सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस। अदालत DGLDA पर बरहम। आप किस तरह के ऑफिसर हैं, वजीर की जुबान हिलाने पर गुलाम बन जाते हैं। आपने पार्क उखाड़ दिया, इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाअत के दौरान रिमार्क। आशियाना इकबाल स्कैंडल, नैब की कार्रवाइयां तेज। ख्वाजा बरादरान की भी आज तलबी। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक नैब लाहौर में पेश होंगे। ख्वाजा साद रफीक से पैरागॉन सिटी से मुतालिक तफ्तीश होगी। अमरीका में तायुनात पाकिस्तानी सफीर अली जहांगीर सदीकी नैब लाहौर पहुंच गए। जुडिशियल मार्शल का मतलब मुल्क में शफाफ इलेक्शन के लिए निगरान हुकूमत का क्याम है। शेख रशीद कहते हैं कोई बगावत की न शब खून मारने वाला आदमी हूँ। कैप्टन सफदर ने बगावत का लफ्ज प्रोटोकॉल की 30 गाड़ियों में सीखा है। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हूँ, ना मेरे गैर मुल्की असासाजात है। नकीबुल्ला कातिल केस की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में समाअत। SP इन्वेस्टिगेशन मलीर आबिद कायम खानी ने इतलाई रिपोर्ट पेश कर दी। राव अनवार को मुंतजिम अदालत में पेश करने के बाद ATC में पेश किया जाएगा। SP इन्वेस्टिगेशन राव अनवार को लाने के लिए अदालत से रवाना। कोयटा बड़ी तबाही से बच गया। अकस्त मोड़ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग, खुदकुश हमलावर मारा गया। शक पर खुदकुश हमलावर को रोकने की कोशिश की, ना रुकने पर अहलकारों ने फायरिंग कर दी। BDS अमले ने खुदकुश जैकेट नाकारा बना दी। आयरलैंड में पाकिस्तानियों के साथ नस्ली इम्तियाज बढ़ने लगा। डबलिन में एक ही रात में 2 पाकिस्तानियों पर तशद्दुद, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, हालत खतरे से बाहर। पाकिस्तानी कम्युनिटी की वाकयात की शदीद मजम्मत, मुल्जिमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सिर्फ 2 एकड़ जमीन के टुकड़े ने खून सफेद कर दिया। फिरोजवाला में मामू ने 4 साल भांजे को गला दबाकर कत्ल कर दिया, लाश नाले में फेंक दी। खुद ही तस्वीर उठाकर एहतजाज का ड्रामा भी करता रहा। शक होने पर तफ्तीश की तो सारे पोल खोल दिए। मुल्जिम बहन की 2 एकड़ जमीन पर कब्जा करना चाहता था। गरीब को कब मिलेगा रिलीफ। नेप्रा ने हुकूमत को बिजली के बिलों पर टैक्सेस की मजीद इजाजत दे दी। नीलम जेहलम पन बिजली मंसूबा मुकम्मल, लेकिन 10 पैसे फी यूनिट सरचार्ज की वसूली जारी रहेगी। नेप्रा ने टैक्सेस को टैरिफ का हिस्सा बनाने की मशरूत इजाजत दे दी। ट्रॉफी किसकी झोली में जाएगी दूसरी बार। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का फाइनल टाकरा कराची में होगा। सबको इतवार का इंतजार। नेशनल स्टेडियम के तरफ सड़कों पर बैनर्स और पोस्टर्स लग गए, ट्रैफिक प्लान भी जारी। चारों तरफ होगी अपनी बात, सिटी बजेगी
स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। PSL फाइनल के लिए शहर कायद तैयार, सिक्योरिटी के लिए रिहर्सल का आगाज कुछ देर बाद होगा। दोपहर 1 से 4 बजे तक नेशनल स्टेडियम के इतराफ की सड़कें बंद रहेंगी। कारसाज से हसन स्क्वायर और मिलेनियम से न्यू टाउन की सड़कें भी बंद की जाएंगी। पानी कुदरत का अनमोल तोहफा, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पानी का दिन मनाया जा रहा है। दौरे जदीद में भी 85% पाकिस्तानी पीने के साफ पानी से महरूम। पाकिस्तान में हर साल 52,000 बच्चे हैजा, इसहाल और दीगर बीमारियों में जान बहक हो जाते हैं। इतनी अच्छी खुशबू अट्रैक कर रही होती है कि आप चलते जाओ, आपको पता ही नहीं चलता इतना खूबसूरत नज़ारा है। इस तरह के बहुत सारे नज़ारे हैं जो हम लोग स्पेशली पैदल चल के आ रहे हैं देखने के लिए, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। खिलती कलियां, फूटती कोपले, रंग बरंगे फूल और हर सू फैली हरियाली, बहार ने शहर इक्तदार के दिल फरेब मनाजिर को और भी हसीन कर दिया। फजाओं में भीनी भीनी महक और सब्जे की चादर ने बहार के आने की नवीद सुना दी। लग्जरी कार बड़ी शानदार, 140 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी SUV की झलक ने शायकीन की तवज्जो समेट ली। $2,00,000 कीमत वाली कार का स्मार्टफोन से भी कंट्रोल किया जा सकता है।